साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे। ये भाई जादू टोना करते थे और पैसे लेते थे। जिनके लिए ये जादू टोना करते थे, भाई का नाम राजेश है और ये भाई प्रतापपुरा लुधियाना के रहने वाले हैं। ये भाई 3 साल से मसीह में है और 1 साल से सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 25 साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे। ये भाई जादू टोना करते थे और पैसे लेते थे। जिनके लिए ये जादू टोना करते थे, वही दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर अटैक करने लगी। पिछले 16 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। इनकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया और इनके नाखून काले पड़ने शुरू हो गए। दुष्ट आत्माओं के अटैक के कारण इनकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। यह अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। दुष्ट आत्माएं इनसे बातें करती थी। ये भाई अटैक की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि इस भाई ने शराब पीनी शुरू कर दी, बीड़ी पीनी शुरू कर दी। छाती के दर्द के कारण ये इस भाई ने 4 डॉक्टर बदले। लगातार दवाइयाँ खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने इन्हें सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में इस भाई ने अपना लेहन कार्ड बनवाया और जब लेहन सेक्शन में परमेश्वर के दास पास्टर जी ने इस भाई के सिर के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना की, तुरंत परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और अब पूरे 1 साल से ये भाई उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह आज़ाद है। कोई तांत्रिक का काम नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, कोई इनकी छाती में दर्द नहीं है और अब ये भाई सब्जी बेचने का काम करते हैं और परमेश्वर ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। ब्रदर आप बताएं, अब आप पूरी तरह हील हैं? पूरी तरह हील है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से।